हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कंटिन्यू रखेंगे जो हमने कल भी देखा था। कल हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पे डिफरेंट पॉइंट्स पोजीशन देखी थी, डिफरेंट पोजीशंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा सा रह गया था उसमें, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, 2-3 मिनट लगेंगे उसे कंप्लीट करने में। और आज का बेसिक लेक्चर जो है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, यूनिफॉर्म मतलब जिसकी वैल्यू सेम है इन ऑल 3 डायमेंशंस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट? लेकिन उससे पहले हम जल्दी से देखेंगे जो कल थोड़ा सा हमारा रह गया था। देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वाला लेक्चर पहले जरूर देखें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट, इस पोजीशन पे हमने निकाली थी एट जिसको हम बोलते थे इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, जो कि डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये देखिए, डाइपोल एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है, और इसको हम दूसरी चीज भी बोलते थे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और हमने ये प्रूव करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल, जब हम इससे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से, देन इट विल फॉल एट अ फास्ट रेट, ज्यादा तेजी से कम होने लग जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल, राइट? और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो नॉर्मल पॉइंट चार्जेस के लिए था, राइट? लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल फॉल एट अ फास्टर रेट, ई वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³, राइट? ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगी। ये हमें डेरिवेशन से प्रूव करना था, हमने कल यहां तक पहुंच गए थे। और हमने एट दिस एक्सियल पोजीशन हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाली थी, सॉरी नॉट एक्सियल, आई एम सॉरी, दिस इज इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, एट दिस इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी टू बी 1/4πε₀ 1/r³, आई एम सॉरी, ये पी था, पी, राइट, पी 1/r³। देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/r³, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज विद डिस्टेंस, जैसे जैसे मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से दूर जाऊंगा, यहां जाऊंगा, देन इट विल फॉल एट अ फास्टर रेट बेस्ड ऑन 1/r³, राइट? 1/r² नहीं होगा, 1/r नहीं होगा, बल्कि बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिरेगी जैसे जैसे मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से दूर जाऊंगा, इसका ये मतलब होता है, राइट? 1/r³। अब देखिए, एक पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो हो जाती है, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं। पास में जीरो क्यों नहीं होती, क्योंकि दीस प्लस माइनस चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, ये हमने कल सब देखा था, राइट? तो हमने ये प्रूव कर दिया था कि जब हम ज्यादा दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, विल फॉल एट फास्टर रेट विच इज is inversely related to 1/r³। हमने देखा था when this r, यहाँ ये point क्या था, जहाँ पे हम electric field intensity calculate कर रहे थे, हमने देखा था जब ये r is very much greater than length of the dipole, कहने का मतलब length ये dipole के आसपास, इस dipole की length के आसपास जब मैं electric field intensity calculate करूँगा तो इतनी होगी ये, right? लेकिन जब मैं दूर चला जाऊंगा तो electric field intensity देखिए तेजी से गिरने लगेगी, क्योंकि when this point is very much greater than the length of the dipole, मान लिया जाता है यहां पे हूं मैं, right? तो r is greater than l, very much greater than l, तो मैं यहां पे l को इग्नोर कर दूंगा, राइट? जब मैं l को इग्नोर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, l को जीरो रखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, r³ हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/r³, ये था। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये नेगेटिव होगी, ये हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट लेक्चर में, ये नेगेटिव होगी, क्यों होगी, क्योंकि देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो हमने जब ये रिजॉल्व किया था यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस को, फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू थी ये E1, राइट, हमने इसको रिजॉल्व किया था इन परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट्स, ऐसे ही फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू थी, राइट, फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू का डायरेक्शन था इधर E2, राइट, इसको भी हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 sin थीटा E2 sin थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हो गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से थी, इट इज ड्यू टू
पैरेलल कंपोनेंट e1 cos थीटा प्लस e2 cos थीटा, राइट। अब देखिए ये जो कंपोनेंट है ये पैरेलल है डाइपोल के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो नेट लग रही है दोनों की वजह से उसका डायरेक्शन इधर हुआ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसीलिए इसका जो है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये E is equals to E1 cos theta plus E2 cos theta नेगेटिव होगी, यानी इसके बाहर नेगेटिव लगाया इसलिए नेगेटिव होगी, राइट। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी इन दोनों में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन हमने निकाली थी कल एट एक्सियल पॉइंट यहाँ पे, और हमने ये कैलकुलेट कर लिया एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल जो दिया है P upon 4 pi epsilon 0 1 upon R cube। इन दोनों में क्या रिलेशन है ध्यान से देखिए इसको, ये है 2P, ये है P, नीचे डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, राइट। सो एक्सियल पे जो है ट्वाइस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, राइट। यहां हम एक्सियल को क्या बोलते थे, एंड ऑन पोजीशन भी बोलते थे। सो एंड ऑन पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये रिलेशन पूछा भी जाता है कई बार, इसको ध्यान में रखना, दैट एट एक्सियल पोजीशन इज इक्वल्स टू पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर क्यूब, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, राइट। ट्वाइस पी अपॉन, सॉरी ट्वाइस ऑफ ये क्या है आपका एक्सियल नेगेटिव, साइन लगा दूंगा ये रिलेशन याद रखना, सॉरी दिस इज योर इक्वेटोरियल लाइन ऑफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन इज ट्वाइस ऑफ एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ये याद रखना रिलेशन, राइट। और इसका साइन नेगेटिव क्यों हुआ ये भी ध्यान रखना, ये यहां पे ओवर हो गया। अब हम दूसरे लेक्चर पे आ जाएंगे अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं जाके, यूनिफॉर्म मतलब जिसकी वैल्यू सेम हो सर इन ऑल थ्री डायमेंशन, तो क्या होगा, राइट। अब देखिए जल्दी से देखते हैं इसको, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अब देखिए इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं डाइपोल रख देता हूं, राइट, इंक्लाइंड एट एन एंगल, दिस डाइपोल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैंने डाइपोल को ऐसे रखा यहां पे, राइट। ये है आपका प्लस क्यू चार्ज, ये है आपका, इधर है आपका माइनस क्यू चार्ज, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, इसी सिनेरियो समझ में आ जाए। अब क्या होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में, क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, उन फोर्सेस का क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज है ये इधर, इस पे फोर्स लगेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर। ये चार्ज है, ये चार्ज भी इक्वल है इसके, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इसकी वैल्यू यहां भी सेम होगी, यहां भी सेम होगी। ये क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है, F is equals to QE, ये क्या है F is equals to QE, राइट, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब देखिए इस पे फोर्स लगी, F is equals to QE, F is equals to QE। अब देखिए बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, समझना इस फोर्स, ये फोर्स कितनी है QE, ये चार्जेस दोनों इक्वल है, ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। तो इस पे फोर्स क्यू ई लगेगी और ई की वैल्यू यहां भी सेम है और यहां भी सेम है, राइट, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देयरफॉर फोर्स जो लगेगी दोनों पॉइंट्स पे, राइट, ये जो डिफरेंट पॉइंट्स पे, यहां पे और यहां पे जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक डाइपोल में वो इक्वल है और ऑपोजिट है, राइट। फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल, फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल एंड ऑपोजिट। देखिए जब मैं, या मान लीजिए ये डाइपोल है जैसे, राइट, अब अगर मैं इसको
दोनों देखिए बराबर फोर्स से नीचे को खींच रहा हूं या ऊपर को खींच रहा हूं, राइट। तो इसका जो नेट टर्निंग इफेक्ट, देखिए जो टर्निंग इफेक्ट होगा इसका, सॉरी टर्निंग इफेक्ट कह रहे, जो नेट ट्रांसलेटरी मोशन होगा, राइट, लीनियर मोशन होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि मैं दोनों जगह पे डायरेक्ट, सॉरी दोनों पॉइंट पे इक्वल फोर्स लगा रहा हूं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूं, राइट। सो नेट ट्रांसलेटरी मोशन वुड बी जीरो ड्यू टू दीज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, नेट ट्रांसलेटरी मोशन इज जीरो, राइट, नेट ट्रांसलेटरी मोशन इज जीरो ऑन द डाइपोल। अब देखिए नेट ट्रांसलेटरी मोशन तो हो गया आपका जीरो, अब कुछ और इफेक्ट होगा इस फोर्स का, राइट, क्योंकि देखिए ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, राइट, ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं ये और ये, राइट, ट्रांसलेटरी मोशन जीरो हो गया। अब देखिए ये क्या बन गया, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ये क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कपल, राइट, दीज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विल फॉर्म अ कपल, कपल होता है जैसे हस्बैंड एंड वाइफ को लोग कपल कहते हैं, ऐसी ये फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, इसीलिए इनको भी कपल बोला जाता है, दो फोर्सेस का कपल, राइट। नाउ दीज टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विल फॉर्म कपल, राइट। अब ये कपल क्या करेगा, देखिए ये फोर्स इधर लग रही है, ये फोर्स इधर लग रही है, दिस कपल विल ट्राई टू रोटेट, दिस कपल विल ट्राई टू रोटेट दिस डाइपोल, राइट, रोटेट दिस डाइपोल और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, इस तरह से देखिए ये इसको ऐसे लाने की कोशिश करेगा, ये इसको ऐसे पीछे को ले जाएगा, जब ये इसको आगे को ले जाएगा, ये इसको पीछे को ले जाएगा, ये क्या कर रहा है, इसको देखिए ये इसको रोटेट कर रहा है, राइट, दिस कपल विल रोटेट दिस डाइपोल, राइट, और ये ही इसका टर्निंग इफेक्ट है, ये जो फोर्सेस हैं ड्यू टू दिस कपल, इट हैज अ टर्निंग इफेक्ट, कपल हैज अ टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू दिस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, राइट, विच विल ट्राई टू अलाइन दिस डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, राइट, और इस कपल को हम रिस्टोरिंग कपल भी बोलते हैं इस केस में, क्योंकि ये इस डाइपोल को फील्ड के डायरेक्शन में रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, राइट, ये वैसे इजी है अगर आपको ये फोर्सेस समझ में आ रही है, राइट। सो फॉर्म्स अ कपल विच विल रोटेट द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एंड अलाइन इट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ये तीनों पॉइंट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इस कपल को हम रिस्टोरिंग कपल भी बोलते हैं, याद रखना, राइट, दिस कपल इज अ रिस्टोरिंग कपल बिकॉज इट विल रिस्टोर द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली क्या हो रहा है, दिस कपल हैज अ टर्निंग इफेक्ट, राइट, ये टर्निंग इफेक्ट की वजह से ये कपल जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज हैं ये रोटेट करेंगी कब, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, राइट, रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले आएंगी, और इलेक्ट्रिक, या हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो इसी डायरेक्शन में ले आएगी, इट विल अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये इसको ऐसे कर देगी, बिल्कुल स्ट्रेट कर देगी, राइट। अब हम देखिए इस कपल का मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ कपल को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क, इफ यू रिमेंबर हमने मैकेनिक्स में पढ़ा, राइट। सो देखिए यहां से अब हम निकालेंगे टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल, लेट्स दिस और यहीं पे लिख कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ कपल जिसको हम बोलते हैं टॉर्क, रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रीक लेटर से टाउ से,
ये क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। फोर्स क्या है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसकी लेंथ जो है ये है 2L, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा 2L साइन थीटा, राइट। ये देखिए ये हमने कैलकुलेट कर लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं, राइट। जो टॉर्क एक्ट करेगा इस कपल, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, राइट, ड्यू टू द कपल, ये होगा आपका फोर्स, कितना है आपका क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका 2 QL E साइन थीटा, राइट। 2 QL क्या होता है, 2 QL होता है PE साइन थीटा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, कि आपको समझ में आ गया, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, पी और ई दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। ये देख लीजिए छोटा सा डेरिवेशन है, ये आपके एग्जाम में आता है अक्सर, राइट। पीई साइन थीटा ये होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, राइट। अब देखिए अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन होता है ना टॉर्क का, एक डायरेक्शन में इसको अलाइन कर रहा है, देखिए इसको मैं लिखूंगा, ये वेक्टर्स आपने 11th में पढ़े हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना ये, अगर मैं इसको लिखूं, ये इसको ऐसे लिखें, राइट। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये ऐसे इसको रोटेट कर रहा है ना, इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट। टॉर्क इज, ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ऐसे टॉर्क नीचे को, उसको नीचे को लगेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेज, राइट। यहां से देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्शन याद रखना, और इसका डायरेक्शन हमें एक रूल से पता लगता है, राइट हैंड स्क्रू रूल होता है इसका नाम, राइट। इसका डायरेक्शन हमें पता लगता है राइट हैंड स्क्रू रूल से, ये हम आगे पढ़ेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल मैग्नेटिज्म में, राइट हैंड स्क्रू रूल, अगर कोई पूछ रहे तो, राइट। अब देखिए दो तीन हम इसमें केसेस की बात करेंगे, देखिए साइन थीटा, टॉर्क, टॉर्क की हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, राइट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं, और हम देखेंगे ये कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। इसी से हमें सब पता लग जाएगा, देखिए अगर मैं इस, ये रिलेशन है पीई साइन थीटा, राइट। अब देखिए व्हेन थीटा इज जीरो, व्हेन थीटा इज जीरो दैट मींस अभी ये एंगल थीटा है, अगर मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, राइट। अभी देखिए ऐसे था ये, तो इस पर टॉर्क लग रहा था, राइट, जिसकी वजह से ये फील्ड के डायरेक्शन में आ रहा था, इट इज ट्राइंग टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जब ये डाइपोल फील्ड के साथ एक एंगल थीटा पे प्लेस था, राइट। लेकिन अगर मैं इसको पहले से ही फील्ड के डायरेक्शन में कर देता हूं, राइट, तो टॉर्क कितना लगेगा, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो थीटा की वैल्यू अगर मैं जीरो रखूंगा यहां पे, तो जीरो होगी, टॉर्क जीरो होगा, राइट, क्योंकि टॉर्क लगेगा ही नहीं इसमें। अगर आप इसको वैसे भी समझे मैथमेटिकली तो दिख रहा है टॉर्क जीरो हो गया, जब थीटा जीरो है दैट मींस ये डाइपोल जो है ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, बिल्कुल स्ट्रेट है, राइट।
अब देखिए ये टॉर्क कर क्या रहा था राइट, या ये फोर्सेस जो कपल बना रही थी राइट, ये क्या कर रही थी, टर्न कर रही थी ना इस डाइपोल को इन द फील्ड ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इट इज ट्राइंग टू अलाइन दिस कपल, ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस थी ये इस कपल को सॉरी ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन कर रही थी। अब हम जब कह रहे हैं थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये पहले से ही अलाइंड है फील्ड के डायरेक्शन में, जब पहले से ही अलाइंड है फील्ड के डायरेक्शन में तो टॉर्क क्यों एक्ट करेगा राइट, टॉर्क तो इसीलिए एक्ट कर रहा था क्योंकि जब ये फील्ड के डायरेक्शन में नहीं था ये इसको फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाह रहा था राइट। जब हमने बोला थीटा इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स डाइपोल इज अलाइंड, इज ऑलरेडी अलाइंड भी लिख सकते हैं, लेट इज ऑलरेडी अलाइंड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, जब पहले से ही अलाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टॉर्क नहीं लगेगा उसमें राइट। ये फोर्सेस कैसे लगेंगी, अगर ये मान लो ये सीधा पड़ा हुआ है ये जो फोर्सेस लगेंगी भी तो कैसे, एक इधर लगेगी एक इधर लगेगी, ये टर्न थोड़ी करेगी, इसको टर्न तो तब करेगी अगर इफ इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा केस है ये है मिनिमम टॉर्क, ये मिनिमम टॉर्क है टाउ इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को राइट परपेंडिकुलर रख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, जैसे अगर मैं ऐसे रख देता हूं इसको, दूसरा केस, अब देखिए दूसरा केस है अगर मैं ऐसे लेता हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट, मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल को ऐसे रख दिया परपेंडिकुलर राइट, यहां है आपका प्लस क्यू, यहां है आपका माइनस क्यू राइट। अब देखिए ये क्योंकि अभी ये 90 डिग्री बना रहा है परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, अब देखिए ये क्या करेगा, ये इसको डायरेक्ट बहुत तेजी से इसको ज्यादा फोर्स लगा के इसको ये इस पर फोर्स ऐसे लगेगी, इस पर फोर्स ऐसे लगेगी, देख रहे हैं इस पर फोर्स ऐसे लगेगी, ये माइनस क्यू है इस पर फोर्स ऐसे लगेगी, फिर कपल बन गया राइट। नाउ दिस कपल विल रोटेट दिस डाइपोल राइट, ऐसे करके रोटेट करेगा और इसको फील्ड के साथ अलाइन कर देगा राइट। इस पोजीशन पे जो कपल लगेगा जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो उस केस में मैक्सिमम कपल लगेगा राइट। देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 देन योर टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या है पीई, ये मैक्सिमम है, दिस इज योर मैक्सिमम टॉर्क। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं मिनिमम मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है राइट, तो ये आपका मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क ये सिचुएशन होगी, एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है एक फोर्स ऐसे एक्ट कर रही है राइट, इसको मैक्सिमम टॉर्क लग के ये फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा राइट। अब देखिए दो और सिचुएशन है इसमें, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा ये, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, देखिए जो ये वाली सिचुएशन थी जब डाइपोल आपका फील्ड के ही डायरेक्शन में था या डाइपोल जब आपके आपका फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही अलाइंड था राइट, तो मतलब ये स्टेबल था, कोई फोर्स कोई टॉर्क नहीं लग रही थी, कहीं मूव नहीं कर रहा था राइट। तो ये वाले केस में, ये वाले केस में हम बोलते हैं डाइपोल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए अगर मैं इस डाइपोल को ऐसे रख देता हूं अगर मैं इसको फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ रख देता हूं, ऐसे करके रख देता हूं उल्टे डायरेक्शन में रख देता हूं फील्ड के राइट, या इस केस में भी ये क्या है जब
दिस डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड और दिस डाइपोल इज अलाइंड एट एन एंगल 90 डिग्री और प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर भी ये क्या है, इक्विलिब्रियम कैसा है इसका, स्टेबल है अनस्टेबल है ना, यहां पर अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए दैट मींस फील्ड के डायरेक्शन में आने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होने के लिए इस पे मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और उसको फील्ड के साथ अलाइन कर देगा। तो ये वाला जो केस है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90, यहां पर पे देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 यहां पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये ध्यान में रखना कब स्टेबल इक्विलिब्रियम है कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड वाला केस है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। राइट, आप देखिए एक और चीज देखिए, अगर इलेक्ट्रिक, यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। राइट, जब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यहां पर पे, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स इक्वल्स टू देखिए ये है प्लस क्यू, ये जो लग रही है प्लस क्यू, ये क्या थी माइनस की, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। सो क्यू ई माइनस क्यू ई ये है जीरो। राइट, अब देखिए अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म है, तो नेट ट्रांसलेटरी मोशन जीरो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। राइट, अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लें, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लें, राइट, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा, मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। राइट, और डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो फील्ड के डायरेक्शन में है, पी का जो डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है वो ई के डायरेक्शन में है। राइट, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यहां पे क्या होगा, अगर मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई वन है यहां पे और यहां पे ई टू है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा है दैट मींस ई वन इज ग्रेटर देन ई टू। तो ये देखिए ये ई वन ज्यादा है यहां पे, अब यहां पे क्या हो जाएगा ये ई टू, अब ये फोर्स ज्यादा है तो ये नेट फोर्स जो लगेगी इस पे वो लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर को लगेगी इधर फोर्स। दैट मींस बेसिक फंडा ये है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स लगेगी, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। यह है इसका फंडा, ये ध्यान में रखना। राइट, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स लगेगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है एट डिफरेंट पॉइंट्स, नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि। राइट, सब जगह सेम नहीं है वैल्यू। राइट, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देयर विल बी नेट फोर्स, कुछ नेट फोर्स होगी दैट विल एक्ट ऑन दिस डाइपोल। अगर यहां पे नेट फोर्स, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो ये मूव भी कर सकता है इधर इस डायरेक्शन में। दिस इज व्हाट इट मींस, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इजी सी चीज है, अगर आप इसको समझें कुछ शब्दों में, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल थीटा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। राइट, अब इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी। राइट, कपल है, कपल क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रोटेट द डाइपोल। राइट, रोटेट करके इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेके आएगा ऐसे। राइट, और इसको हम बोलते हैं, फिर हम जब कपल एक्ट कर रहा है इस पे, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है क्योंकि, तो मूवमेंट ऑफ कपल हम निकालेंगे, टॉर्क निकाला हमने जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना टॉर्क लगेगा इसको जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाएगा, इससे हमें पता लगेगा। दैट डिपेंड्स ऑन दिस एंगल थीटा, जब एंगल थीटा जीरो होगा दैट मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पहले से ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंड पहले से ही है, तो टॉर्क जीरो लगेगा, मिनिमम टॉर्क थीटा जीरो। राइट, क्योंकि ये टॉर्क फाइनली इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही तो अलाइन कर रहा है, जब पहले से ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइंड है तो टॉर्क वुड बी जीरो। और जब ऐसे परपेंडिकुलर वाला केस है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ऐसे परपेंडिकुलर रखेंगे तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इसको फील्ड के डायरेक्शन में लाएगा और मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। मिनिमम टॉर्क वाला जीरो वाला केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और थीटा इज इक्वल्स टू 90 जब होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। राइट, और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है आपकी
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो है नेट फोर्स, नॉन यूनिफॉर्म में